तले टाइम बम महासागर तले रही बरफर निया आडवांस सेस्मिक चित्र बरफर निया विषय सूचना मिली महासागर तले बरफावस्था रही मिथेन बरफ तरली दूर दूर जाए व्यापी पारे यह केते मात्रा रे वायुमंडल रे पहुंचिले महाविपद सृष्टि करिपारे से नहीं कि चिंता बर्तन व्यक्त कले विशेषज्ञ मैंने नेचर जिओसाइंस जर्नाल तथ्य नहीं बढ़ला चिंता महासागर तले अच्छी टाइम बम माने आपड़ निर्दिष्ट भाव में टाइम बम को जदि टिके स्पेसीफाई करिबा ताले बरफर निया बोली कहा जाउछि कैना सेथिरे मिथेन रहिछि बरफा अवस्था रे मिथेन रो केमिति क्रियाशीलता रहिछि ता समस्त जानि छथि ए बरफ जदि तरळुछि ताले दूर दूर जाय यार परिव्याप्ति रहि पारे एहा एते मात्रा रे वायुमंडल रे एते मात्रा रे अछि जे जदि वायुमंडल रे पहुचिला ताले महा विपद सृष्टि होइ पारे नेचर जिओसाइंस जर्नल रो तथ्य ने वर्तमान चिंता व्यक्त करिछथि समस्ते लोक माने केमिति प्रभावित हेबे यहा भूपृष्ठ को केते मात्रा रे प्रभावित करिबो आमर जीवनशैली को केते मात्रा रे प्रभावित करिबो ताहा वर्तमान सबुठारो चिंतार विषय नेचर जिओसाइंस जर्नल रे जो रिपोर्ट प्रकाशित होईछि ताहा समस्त को चिंता बढ़ाई देछि एवं विशेषज्ञ माने गवेषक माने ए नै कि अनुसरण करबा आरंभ कलेनी जे महासागर तले जो बरफर निया रहिछि एडवांस सेस्मिक चित्ररु ए बरफर निया विषय रे स्पष्ट सूचना आसुछि महासागर तले मिथेन बरफा अवस्था रे रहिछि ए बरफ तरली रे यहा दूर दूर जाए व्यापी पारे एवं जेतेबेले तार परिव्याप्ति रहिबो सेतेबेले ता केते मात्रा रे जीव जगत को प्रभावित करि पारिबे करि पारे किबा वायुमंडल को केते मात्रा रे प्रभाव पकेई पारे ता निहाति अपर वर्तमान चिंतार विषय एवं परवर्ती समय रे हुए त एने कि आउरी अनुशीलन सामना को आसिबो किंतु समस्त चिंता व्यक्त करिछथि ने जर जिओसाइंस जर्नल रे तथ्य को नै केमिति भाबरे वायुमंडल को यहा प्रभावित करि पारे केते बड विपद आम समस्त को पई साजी पारे एने कि अधिक आलोचना करबा सहयोगी प्रज्ञा अच्छा आम सहित अधिक आलोचना पाई प्रज्ञा आपण कुछ जानवाक चाहिए बरफर निया कहाँ को कहा जाउची केते प्रभाव पकई पारे आम जीवनशैली उपरे देखंतु बंदिता वर्तमान महासागर तले टाइम बम थिवा कथा कहा जाउची जहाँ सुनिश्चित भाव शुणा मात्र के गोटे चिंतार विषय लगुच तेज आ विषय में अधिक जाना तेज महासागर तले रही बरफर निया आउ ए बरफर निया को ही गोटे टाइम बम बोली कहा जाउची जहाँ आग को पृथ्वी उपर वायुमंडल उपर एक विपद महाविपद आनी पारे तेज या विषय में कौन है जो आडवांस जो आम कही पार थ्री डायमेंशनल जो आडवांस सेस्मिक इमेजिंग टेक्निक अच्छी अनुसंधान करवा पद्धति वर्तमान जो महासागर तले जो बरफर निया रही जहाँ को फायर आइस बोली विषय में सूचना मिली तेरे ये जो सूचना मिलवा पर वर्तमान सारा वैज्ञानिकों दुनिया चिंता बढ़ जाइए जे ये जो मिथेन जो आलोचना करवा बरफर नियाटी कौन किपर भाव में आम वायुमंडल को आसे तार प्रभाव पकई पारे तेरे मुझे कहि महासागर तले बरफ अवस्था रही मिथेन तेरे ये मिथेन जिते सब महासागर तले बरफ अवस्था रही सीए जिते तरल धीरे धीरे वायुमंडल को आसब तेरे तार प्रभाव माने कही पार महाविपद एक टाइम बम सदृश कहे कौन कर बरफ तरली जो बरफ कथा मुझे जहाँकि वर्तमान मिथेन अवस्था महासागर तले रही सी जो तर तेज दूर दूर जाए व्यापी जो उपरक आसपर समुद्र उपरक आसब वायुमंडल को धीरे धीरे व्यापी और यह किलोमीटर किलोमीटर जाए व्यापार संभावना रही तेज यह एते मात्रा रे वायुमंडल जदि हठात आसिक पहुँचे जदि आम कही पार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ो टेम्परेचर जो बढ़ो समुद्र पृष्ठ में पानी गरम हो तले जो मिथेन रही कही पार मिथेन हाइड्रेट रही सी जो गरम हो तरक लगे जितेबाला ह्यूज अमाउंट जो कही पार एटमोस्फियर में पहुंचे से महाविपद आन जहाँ ही बर्तमान चिंतार विषय पलटि तेज यही कथ कौन ना जो नेचर जिओसाइंस गोटे जर्नाल प्रकाश पाई से जर्नाल ये तथ्य सब कुछ प्रदान कर किपर भाव जो मिथेन हाइड्रेट रही महासागर तले और तरले केते विपद हो पारे और किपर वर्तमान यह धीरे धीरे तरल लगुच्छे और कौन यानी आविष्कार से विषय में आगे आलोचना करवा तेज कौन है ना न्यूकासल जो न्यूकासल विश्वविद्यालय रही से कौन होता है ना जो आडवांस जो रिसर्चर अच्छा बा इंटरनेशनल जो रिसर्चर अच्छा से मैं यूनिवर्सिटी कौन करता गोटे रिसर्च करता जे ये जो मिथेन हाइड्रेट जो रही अत्य मात्रा जो समुद्र तले ताकि रिसर्च कर जो रिसर्च्र जहाँ तथ्य आसी खूब चिंताजनक आ रिसर्च तथ्य देखिए मुझे कहती नेचर जिओसाइंस जर्नाल प्रकाश पाई तेज कौन तथ्य आसना जो आफ्रिका रही आफ्रिका महादेश जानते आफ्रिका महादेश
मोरीशियाना गोटे हूँ देश रही है तार उपकूल ही अनुसंधान चली किपर भाव में जो मैंने कहीपर जे मानते महासागर तले जो मिथेन हाइड्रेट रही उपरको किपर आसा कहीं कहु अंचल जो ग्लोबल वार्मिंग होतापर जो ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो गरम बढ़ी तेज से ही समय से महासागर उपरको उठी हूँ जो मिथेन हाइड्रेट और जिते से उपरको उठी तो धीरे धीरे जो हाइड्रेट टी मिथेन अलग हाबाक लगी धीरे धीरे पाखापाखी कहीपर जी आम उपकूल को 40 किलोमीटर जाए व्यापी व्यापी आसी तो मुझे भल भाव में बुझाऊँ जो आफ्रिका कथा मुझे जो मरीशना ये से ही जगह कौन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी और परवर्त समय समुद्र मैं गरम होता है और ते जो आवरण वायु लंबा आकार जो मिथेन हाइड्रेट रही सी कौन करना तरल की उपरको आसाला और से ही समय मुझे कहते जो यूनिवर्सिटी पक्ष जो गोटे रिसर्च कराइला तेज से रिसर्चर मैंने से जगह को जाते अनुसंधान करते भल भाव में कौन घटू कौन बाहर को आसूँ तेज से बहुत आश्चर्यजनक कथा पाई गोटे गोटे जगार जदि किसी मिथेन मानते कहीपर जे मिथेन हाइड्रेट जो तरल की उपरको आसो तेज से ही अंचल से धीरे धीरे कौन करुँ ना 40 किलोमीटर जाए उपकूल पर्यटन व्यापिक आसपर जी जो उपकूल जो सहर अच्छी उपकूल जो जनबसती रही से पर्यंत माड़ी आसूची तेज यहीपर भाव में जो रिसर्चर मैंने जाते ये पाखापाखी कौन कोविड 19 जो लकडाउन थी से ही समय से अंचल को जाते एपरिक मुझे यहाँ गोटे कथा कहली से पाखापाखी 23 टी पकमार्क कहीपर जे 23 टी जगार अनुसंधान कर जो जगार बर्तमान मिथेन हाइड्रेट तरल की धीरे धीरे उपरको आसूसी आज चिंता करूँ जब गोटे जगार मैंने गोटे जगार जब तरल की समुद्र उपरको आसो तेज ताद 40 किलोमीटर जाए व्यापी आ बर्तमान सुधा से 23 टी पकमार्क को चिन्हट कर 23 टी जगह से पर चिन्हट कर जोटर कि यह गरम हो मिथेन हाइड्रेट बाहर आदि प्रति 40 किलोमीटर जाए व्यापू तेज 23 टी के आउर चिंता प्रकाश पाई जदि सी तो बर्तमान 23 टी हम अनुसंधान पाई तेज आम जानते सारा पृथ्वी में अधिकांश समुद्र पा ही अच्छी से सब जगह जोपर भाव में मिथेन हाइड्रेट तरल गरम अवस्था उपरको आसो वायुमंडल जाए व्यापी तेज सुनिश्चित भाव यह आगामी दिन में आम कहीपर पृथ्वी को वायुमंडल को कितने मात्रा में प्रभाव पक सुनिश्चित भाव अंदाजा लगे तेरे ये जो तथ्य बर्तमान जो जर्नाल प्रकाश पाई नहीं सारा वैज्ञानिक मैंने चिंतित अच्छा कहीं आम जानते दिनक दिन जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग होती ग्लोबल वार्मिंग जो महासागर तले जो मिथेन रही क्या आम मिथेन परिमाण बहुत मात्रा लुचिकी थाए जहाँकि बरफ अवस्था रही था कितु जो पा गरम हुए कहीपर जो आम गरम दिन आसे ग्रीष्म ऋतु आसता है से समय कौन होता है ना पा गरम होता है और जो पा गरम हुए ते जो मिथेन जो बरफ अवस्था रही सीए तरले तरला से निश्चित भाव उपरको उठो आज जो से उपरको उठू पाखापाखी दीर्घ 40 किलोमीटर अंचल को से धीरे 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 व्यापी व्यापी अच्छा पूर्व रूप आम जाने प्रज्ञा कि मिथेन गोटे एमती गैस जहाँकि ज्वलनशील जदि यह कौन सी पदार्थ किमी निया संस्पर्शन जब आसला तेल यह तुरंत जल्वा को आरंभ कर बरफ अवस्था अच्छी से हुए तो या कंट्रोल करते कि बरफ तरल मिथेन से निर्गत हो हाइड्रेट रू मिथेन अलग होवर्त समय पा अलग अधिक क्षतिकारक हो पाए आप ग्लोबल वार्मिंग कथा कहते ग्लोबल वार्मिंग पूरा विश्व में जमी घटू तार प्राय पाखापाखी 25% ये मिथेन द्वारा ही होता कथा वैज्ञानिक अनुशीलन भी जमापड़ी केवल आम से ही अंचल को फोकस करार अच्छी ना आम पूरा विश्वपी बर्तमान यह गोटे चिंतार कारण हो पाए देखो बंदिता सी जो आमर थी रिसर्च चलता जेहतु से ही जगह ग्लोबल वार्मिंग होकर जो पा गरम होता है और धीरे धीरे तार आम कहीपर जे मिथेन हाइड्रेट उपरको आसाला से जो कहीपर जे जो यूनिवर्सिटी अच्छे जो मुझे कहती से यूनिवर्सिटी गोटे रिसर्च मैंने इंटरनेशनल रिसर्चर को लेकिन अनुसंधान करता और से जगह जाने पहुंची थे और से दीर्घ समय धरिकी ए प्रोसेस को अनुवीक्षण करते जहाँकि कहती जो आम थ्री डायमेंशनल जो सेस्मिक जो इमेजिंग टेक्निक अच्छी ता थ्रू से किसी अनुसंधान करके देखते कौपर भाव में तरुची उपरको आसूँ आउ जो कहते गोटे स्थान में हम ना आग को जीव क्या बर्तमान सुधा तो ये मिली तेज आग को समग्र जगह जो यहीपर भाव में उठब सुनिश्चित भाव आग को एक महाविपद आसो सारा वैज्ञानिकों महल में चर्चा चलती बिल्कुल से नहीं अनुशीलन जारी रही गवेषणा आहरी अधिक करते अधिक प्रभाव पकई पारे आम जीवनशैली जीवन उपर के प्रभाव पड़ पारे आम वायुमंडल को खराब कि क्षति पहुंचे पारे मिथेन ता ऊपर अधिक वर्तमान वैज्ञानिक माने गवेषणा करछथि धन्यवाद प्रज्ञा सविशेष आलोचना पाई।